सबसे जरूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, जो नफरत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का, ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे दो मैसेजेस हैं, एक जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे तीन मुद्दे थे। इतना दुराव क्यों रखा, न प्रयाग गए न वाराणसी गए, चलो कोई बात नहीं, रायबरेली तो चले जाते, अपनी माता जी की कर्मभूमि, अपने स्वर्गीय पिताजी के क्षेत्र अमेठी चले जाते, अपने क्षेत्र अमेठी। मतलब आप भारत के इतिहास का ये पहला बड़ा राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष देखते होंगे जो अपने क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद अपने एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में वहां भी नहीं गए। नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से 29 जनवरी 2023 श्रीनगर में समापन हुआ, और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में सब लोगों का सहयोग रहा, उससे मेरी यात्रा सफल रही और मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन चलिए, अंदाजे बयां वही था जो 7 सितंबर से पहले, 7 सितंबर और 29 जनवरी 30 जनवरी 2023 को रहा। उनका सीधा हमला आरएसएस और बीजेपी, नरेंद्र मोदी पे रहा, वो उनके दो मित्र, तमाम चीजों को लेके रहे। तो चलिए,
हम बात करेंगे तीन वरिष्ठ पत्रकार पूरी यात्रा को बहुत बारीकी से देखा है और किस तरह से सोचते हैं। एक बड़ा एक स्लोगन रहा इस यात्रा का जो राजस्थान के अलवर में दिया, मुझे लगता है कि वो एक टैगलाइन बन गई कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूं। चलिए ये तो बात ठीक है कि पार्टी वाइज आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, आपकी पार्टी के वर्कर्स को एक आप टैगलाइन भी दे सकते हैं, उनमें उत्साह पैदा कर सकते हैं, सामने वाले को घेरने के लिए एक रणनीति बना सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यह है, राहुल गांधी जी के इस टैगलाइन को या जिस मकसद को लेके रवाना हुए थे, क्या जनता के बीच वह एस्टेब्लिश हो पाएगा? कांग्रेस के सामने आने वाले दिनों में जो चुनौती होगी उसके रीढ़ की हड्डी बन पाएगी यह यात्रा? राहुल गांधी की छवि जिस तरह से विरोधियों ने एक गढ़ दी, क्या उससे बाहर निकल पाएंगे? कुछ ऐसे सवाल हैं जो जर्नलिस्ट ही अपने तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं पैनलिस्ट के साथ में बीजेपी कांग्रेस को बैठाऊंगा तो उनका अपना अपना एक अलग दर्द होगा, अपने अपने बयान होंगे, लेकिन पत्रकार क्या सोचते हैं पूरी यात्रा को लेकर के? क्यों बड़ी बहस चली है, सुर्खियां रही हैं, उनके अंदाज की, उनके रास्ते के जो सफर में अलग अलग फोटोज में जो दिखे वो सुर्खियां भी बटोर रही थी कहीं जगह, उन लोगों को राहुल गांधी को ट्रोल भी होना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक हैं। हमारे साथ दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब पूरी यात्रा में हमारे साथ समय समय पर जुड़ते रहे। तो मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा, पूरी यात्रा को लेकर के अगर देखें मकसद पूरी परीक्षा में कितना पास हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए की यात्रा बड़ी चुनौती और कठिन थी, पूरी हो गई, लेकिन क्या वास्तव में इसका प्रभाव जिस मकसद से लेकर के यात्रा शुरू की, हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि गैर राजनीतिक, लेकिन राजनीति में कोई भी व्यक्ति होता है जो कहे कि गैर राजनीतिक मकसद से, किसी के गले नहीं उतरती, और मकसद रखना भी चाहिए। कोई सन्यासी तो है नहीं कि जो चलिए सब धुने में जितना डालेंगे उतना ही जलता रहेगा। राजनीति में आप तो बिल्कुल मकसद साफ रखिए कि 23 और 24 हमारी चुनौतियां हैं, जिस मकसद को लेकर के हम आ रहे हैं और जिसके लिए हमने यात्रा निकाली, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, कहने में क्या दिक्कत है? तो किस तरह से देखते हैं सर आप इस यात्रा को? योगेश जी देखिए, राहुल गांधी पर जिस तरीके से आक्रमण होते रहे पिछले 2014 से लेके और इस यात्रा के पहले तक, और जिस तरीके से इनका एक हास्यास्पद चरित्र गढ़ने की चेष्टा की गई, जिसमें कि मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने अपने तरीके से इनको सिद्ध किया कि ये बड़े हास्यास्पद करेक्टर हैं, कि इनको पप्पू कहा, कभी कुछ कहा। इससे मुक्ति उनका सबसे बड़ा प्रयास था कि इससे मुक्ति कैसे पाई जाए, क्योंकि वो भी जब भी दो कदम आगे बढ़ते कभी राहुल बाबा बना देते थे, कभी राहुल बेबी बना देते थे। तो ये यात्रा रही, इसके पीछे दो बड़े महत्वपूर्ण मकसद रहे। एक तो ये जांचने का मकसद रहा कि कांग्रेस पार्टी आजमाना चाहती थी कि दक्षिण से लेकर के और कश्मीर तक क्या हमारे प्रति कोई चेतना है लोगों में या नहीं है। तो मेरे को लगता है कि एक तो ये कि राहुल गांधी का अपना व्यक्तित्व निखर करके सामने आया, वो उन लांछनों से, उन हास्यास्पद उपाधियों से आजाद हो गए और उनका एक व्यक्तित्व बना, इसमें कोई शक नहीं। और साथ साथ में कांग्रेस को यह भी एहसास हो गया कि हमारी पकड़ तो है निश्चित रूप से, हमारे पास में अगर हम इसको अगर बना सके और इसको लेके आगे चल सके तो हम कोई भी मुकाबला जीत सकते हैं। और खासतौर से जो दिखा है कि 2024 में जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन जो होगा उसके अंदर क्या हाल होगा, तो वो आज हुआ। वो टैगलाइन जो आप बोल रहे हैं, जो हमारे राजस्थान से ही उन्होंने सीखी कि साहब नफरत की उसमें बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, तो ये अच्छा लग रहा है, सामान्य लोगों को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ साथ में बड़ी जो एक शातिरी वाली जुबान है, एक राजनीति सियासी जुबान है, तो सियासी जुबान को बड़ा सजा करके जो वो बोले हैं कि मैं दिल दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, क्या कुछ होता है, कश्मीर के लोग क्या भुगत रहे हैं, देश में लोग क्या भुगत रहे हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार उन्होंने ठहराया प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, गृहमंत्री और मिस्टर ढाबाल को कहा, और बड़े सम्मान के साथ में नाम, बड़ा सम्मान के साथ में उनके आगे पीछे सारा एडजेक्टिव्स लगा करके जो बोले हैं, वो एक सियासी परिपक्व सियासी नजर का नजरिया है मेरा सा ख्याल है, क्योंकि वरना जिस तरीके से बोलते रहे वो नहीं। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि कांग्रेस की शक्ल तो संगठन बनने के बाद में समझ में आएगी, क्योंकि
जैसे हम राजस्थान को जब देखते तो हमें पता लगता है कि अभी तो कहीं कहीं के कहां कहां के अध्यक्ष ही नहीं बने, आंतरिक जो द्वंद है वो भी बड़े स्पष्ट हैं, उनसे आजाद होने की कोई चेष्टा ही नहीं कर रहा है, और करता है तो भी आर्टिफिशियली नजर आती है। तो इनसे इन सब चीजों से क्या, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस एक ऐसा व्यक्तित्व तलाश कर रही है जो उसी तरीके से पावरफुल हो जिस तरीके का इन मिसेस गांधी हुआ करती थी, या राजीव गांधी थे, या प्रधानमंत्री नेहरू हुआ करते थे, कि उनके चारों तरफ जो भी है, तो उसके बाद में अगर उन्होंने कह दिया तो कार्य का उनकी जो कार्यकारिणी है या जो आला कमान है जिसको बोलते हैं, वो अगर कोई बात फैसला करते हैं तो उसके बाद में जो भी उसकी अधूली हुकूमत अधूली करेगा उसका अस्तित्व रहेगा नहीं। जैसे पिछले उदाहरण है कर्नाटक को आप देख सकते हैं, वहां क्या हुआ था, किसे कांग्रेस बनी थी, कैसे दूसरी किस्म की वो कांग्रेस खत्म हो गई, नेता ही समाप्त हो गए, वही चाहते हैं वो। और वो राहुल गांधी को इसी तरह के एक सन्यासी के रूप में पैदा कर रहे हैं कि वो उसको पूरा देश समझे कि ये जो बिल्कुल सीधा साधा इंसान है जिसने इतनी दूरी तय की है और उसके बाद में अपनी दुकान खोलना चाहते हैं मोहब्बत की, तो उनको बिल्कुल मदद करनी चाहिए, ऐसा एक एहसास दे रहा है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस क्या अपने संगठनों के माध्यम से अपने आप को मजबूत करके इस शख्स का लाभ उठा सकेगी या नहीं उठा सकेगी, ये वक्त बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, जिस मकसद को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं वो चुनौती होती है, रिजल्ट तभी आता है। ठीक है, यात्रा आपकी सफल हो गई, आपने पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा सामने है, आपको एग्जाम देना, ये ठीक है आप रात भर जगे, आपने नोट्स भी रीड किए, सब कुछ किए, लेकिन जब एग्जाम सामने होगा तो पता तभी लग पाता है कि वास्तव में मैंने जो पढ़ाई की उसका कितना असर रहा। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, सबसे बड़ी कांग्रेस के सामने चुनौती एक तो ये होगी कि नफरत, डर, इसको लेकर के हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, ये कांग्रेस का कहना है। और राजस्थान की जमीन से ही मई 2022 में इसकी रणनीति तय हुई उदयपुर से, हम सब लोगों को मालूम है जब इनका अधिवेशन था तब। क्या लगता आपको कि अभी भी कांग्रेस के सामने इस एजेंडे को एस्टेब्लिश करने की चुनौती है, या फिर एस्टेब्लिश हो चुका है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ ये एजेंडा कि नफरत का जहर घोला जा रहा है जिसे दूर करने के लिए राहुल गांधी निकले और वो अपने एजेंडे को एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही कि राजनीति में जिस प्रकार से 7 सितंबर से पहले राहुल गांधी की स्थिति क्या थी, और आज अगर देखा जाए 30 जनवरी हो रही है, 146 दिन उन्होंने यात्रा की और 14 राज्यों में वो होकर के गुजरे, ये बात सही कि देखिएगा कि जिस तरह से उन्होंने अब ललकारा, प्रधानमंत्री जी को ललकारा, गृह मंत्री जी को ललकारा, और कहा कि वो जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति है, तो आकर के देखे, आप चल के पैदल दिखाए, देखिए जो चीज सरकार को की चीज जो चीजें वो अब जो यात्रा के माध्यम से दिखा पाए देश को, तो नहीं दिखा पाते। अब वो दोनों उनकी यात्रा रुकी बीच में, इसका मतलब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के है वो स्थिति खराब। अब देखिए दोनों मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के यात्रा में चले साथ साथ, तो ये यात्रा नहीं होती तो राहुल गांधी की स्थिति को कौन मजबूती दिखाता? इस यात्रा ने उसको मजबूती देने का काम किया, उनकी पार्टी में तो मजबूती आई है, खुद भी मजबूत हुए। अब देखिएगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने खड़गे, पूरी यात्रा हो जाने के बाद अब सोचा जाएगा कि कांग्रेस का केंद्रीय संगठन तैयार हो। अब देखिए देश में तो आपने जगा लिया और ये मालूम कर लिया 14 राज्यों में कि कांग्रेस के लोग हैं, उनको हम मूल तक पहुंचने का क्या माध्यम होगा? जिस प्रकार से हाथ पे हाथ जोड़ो वाला कार्यक्रम कितना सक्सेस होगा क्या बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोगों को एक ये तो दिख दिया कि हमारी हमारा वजूद है, अगर हम उनको साथ लेके चलेंगे तो कुछ कर पाएंगे। अब देखिएगा 372 लोकसभा की सीटों पर फोकस कर रही है कांग्रेस, वो सारी तो नहीं करेगी, उसको पता है कि हम किस प्रकार से कहां कैसे, लेकिन देखिए कुछ नेता है जो ममता बनर्जी है या आपके नीतीश कुमार है या तेलंगाना वाले हैं, वो इनके साथ जिस तरह से आना चाहिए नहीं आ पाए। तो देखिए आने वाले समय में विपक्ष का नेतृत्व कौन करे, इसका सवाल तो अभी खड़ा हुआ है। ये बात तो सही, बहुत सारे लोगों ने समर्थन देकर के राहुल गांधी को नहीं सवाल है। श्याम जी ये बात तमाम ठीक है कि उन्होंने चुनौती है बीबी की, क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएगी कांग्रेस, लीडरशिप किसकी होगी, ये सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आरोप बीजेपी पे आरएसएस पे लग रहा है कि नफरत,
पैदा की जा रही है, भारत को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, क्या वास्तव में जनता के जहन में उतर पा रहा है? क्या कांग्रेस का अपना एक एजेंडा है, कांग्रेस के लोग ही उससे बस वाकिफ हैं, दूसरे लोगों को मालूम नहीं है? एक ये आपको लगता है कि चैलेंज होगा पब्लिक के सामने इसे एस्टेब्लिश करने के लिए? यात्रा तो आपकी निकल गई, जिस रूट से आप निकले, लोगों से मिले, समस्याएं सुनी, आप रूबरू हुए, कर जिस रूट पे जहां से आप निकलते हैं कुछ तो उसका असर होता है, लेकिन कांग्रेस इतने लंबे समय तक जिस यात्रा को लेके चली एक बड़े आंदोलन के रूप में, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि चंद्रशेखर जब रवाना हुए थे और चंद्रशेखर जिस मकसद को लेके यात्रा पे निकले थे, उन्होंने अपने एजेंडा को एस्टेब्लिश किया, तो राहुल गांधी क्या जनता के बीच में इसे एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं? देखिए, जितने जिस तरह से उनका यात्रा शुरुआत में तो ये प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था कि ये यात्रा पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब यात्रा पूरी हो जाने के बाद अब समीक्षा हो रही है कि उनकी यात्रा के माध्यम से उनको क्या मिला या वो जिस तरह के जिस मकसद को लेकर निकले थे पूरा हुआ नहीं हुआ। देखिए, अभी आज हम उस यात्रा का निचोड़ कह दें या समीक्षा आज कर ले नहीं कर पाएंगे, आने वाले समय में देखिएगा कि जब चुनाव होगा थोड़ा इंतजार करना होगा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू क्या आ रहा है। मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास, मैं प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा एक बार। प्रमोद जी, क्या लगता है दिल्ली के सियासी गलियारों में क्या चर्चा है? पहले तो क्या लगता है आपको, कितने दिन तक हम इस यात्रा पे डिस्कस भी करते रहे, यात्रा को देखा भी, गैर राजनीतिक मान सकते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये राजनीतिक हित और राजनीतिक लक्ष्य से हम लोगों ने नहीं रखी यात्रा, ये किसी गले उतरेगी? दूसरा, क्या राहुल गांधी अपने एजेंडे को एस्टेब्लिश कर पाएंगे? योगेंद्र जी, एक शायर की नज्म की कुछ पंक्तियां हैं कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो राहुल गांधी एक खानदानी राजनेता है, खानदान से चला आया है। रईस और अमीर में फर्क होता है, जो रईस है राजनीति के, भारत की सियासत के रईस है। तो राहुल गांधी ने यात्रा में ये दिखा दिया कि उनके पास नेता भी है, उनके पास नीति भी है और उनके पास नियत भी है, ये निश्चित रूप से उन्होंने दिखा दिया। और मैं राहुल गांधी, मुझे माफ करें मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, कि उनको पप्पू कहा जा रहा था, ये पप्पू तो पहलवान निकला। कैसे पहलवान निकला? दिमागी रूप से इन्होंने जो सोच लिया। तो आपको क्या लगता है पप्पू पहलवान नहीं हो सकते? बहुत सारे पहलवानों का नाम पप्पू होता है। मैं आपको दूसरी तरह से बता रहा हूं कि ये तो एक ये है ना, दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, तीनों तरह से ये पप्पू पहलवान निकला। जो लोग जिसने भी एजेंडा बनाया पप्पू कहने का, उन्होंने 4000 लगभग किलोमीटर चलकर इस बात को सिद्ध कर दिया कि वो पप्पू नहीं, वो दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से पहलवान है। उन्होंने शारीरिक रूप से दिखाया पैदल चल के, वो थके नहीं, उनके चेहरे का भी शिकन नहीं आई, और एक वो सर्दी पूरी सहन करी एक टी शर्ट में, तो दिखाया कि मैं शारीरिक रूप से मजबूत हूं। दिमागी रूप से उन्होंने कोई भी आया पकड़ा, उनको खींचा, कभी गुस्सा उनके चेहरे पे आपने देखा तो मुझे बता दें, बिल्कुल एकदम उन्होंने जो यात्रा पूरी की एकदम शांतिपूर्ण से, जो भी आया हर किसी से मिले, गले मिल रहा है, पकड़ रहा है, खींच रहा है। जो वैचारिक रूप से जो इन्होंने एजेंडा पेश किया, उन्होंने बेरोजगारों का, उन्होंने किसानों का, उन्होंने महिलाओं का, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, उन्होंने जो भविष्य में आने वाले खतरे हमारी सीमाओं पर, जो देश हमारे देश के बाएं खड़े हैं उनके मुद्दे, जो विचार रखे केंद्र सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने जिस जिस पॉइंट को लिया है, आप खुद एक बड़े पत्रकार हैं, तो जब तक अब वो कह रहे थे पप्पू अब बताओ ना कोई, अब लोग अगर कोई बोलते हैं ना तो लोग ही जवाब देते हैं, क्योंकि तो उसको पप्पू कैसे कह, उसको पप्पू कह रहा है जिसके विचार ऐसे हैं, अब लोग ही जवाब दे रहे हैं, अब किसी को कांग्रेसियों कहने की जरूरत नहीं है। ये उनकी नुगरे छवि खराब, प्रियंका जी ने कहा कि मेरे भाई की छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए विपक्ष ने, जिसने भी करे, लेकिन छवि उनकी खराब थी नहीं। जब मैं प्रधानमंत्री बना ही नहीं, जब मैं लोगों के बीच में गया ही नहीं, तो आप मेरे बारे में कैसे अंदाजा लगा लेंगे कि मैं क्या हूं? अब उन्होंने 4000 किलोमीटर चल के इस बात को बताया है कि मैं क्या हूं, और मेरे साथ नेता हूं मैं, मेरे साथ जनता भी है। आज उन्होंने जो कश्मीर में कॉन्फ्रेंस करी कल, तो उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस से ज्यादा मेरे को, मेरे से बात करने, मेरे से मिलने, गले मिलने, निश्चित रूप से लोग ज्यादा है, कांग्रेस ज्यादा,
और उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि कांग्रेस में बड़ी सुधार की जरूरत है। अब राहुल गांधी ने तो राज्यों के नेताओं के सामने, सेकंड लाइन के सामने, एक अपना विचार, अपना मकसद और अपनी ताकत दिखाकर पेश कर दिया है। अब ये सेकंड लाइन को देखना है। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी बात कल उसमें कही कि ये तो कुछ भी नहीं है यात्रा, अभी तो मैं दो ऐसे विस्फोट लेके आ रहा हूं जो देखते रह जाएंगे। जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप दक्षिण से उत्तर आगे, पूर्व से पश्चिम कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा अभी तो कुछ नहीं है, ये यात्रा तो कुछ नहीं थी, मैं अपने दिमाग में जो मैंने स्ट्रेटेजी तैयार की है कि सिर्फ अखबार के माध्यम से या उसके माध्यम से ही लोग क्यों राजनेताओं को समझे, क्या राजनेता जनता के बीच में जाकर जाने की चीज नहीं है, क्या जनता डायरेक्ट राजनेताओं को नहीं समझ सकती, कितनी बड़ी बात है। अब लोगों को जरिए की जरूरत नहीं, ऐसा वो लेके मिशन आऊंगा कि लोगों को जरिए की जरूरत नहीं रहेगी और वो डायरेक्ट राजनेता से मिलेंगे। अब विचार देखिए, होगा जो कोई जीतेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, अपनी बहस का ये एक बड़ा वो मेरा वो नहीं है, ना ही मैं जज हूँ कि ये बात कह दूं कौन प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी योगेंद्र जो विचार पेश किए उन्होंने और जो इस तरह से वो चले हैं, अपनी शक्ति दिखा के टी शर्ट में चर्चा करा दी। अरे सर कम बात है, कश्मीर के बारे में टी शर्ट में कम बात है, कितनी मतलब शारीरिक रूप से मजबूती दर्शाती है। और उन्होंने जो मुद्दे पेश करके, अच्छे अच्छे पत्रकारों ने उनकी बहस हुई है, उन्होंने करीब 17 के करीब कॉन्फ्रेंस करी है, और पहली बार शायद गांधी परिवार का पहला व्यक्ति होगा जिन्होंने 135 दिन की यात्रा में इतनी जगह कॉन्फ्रेंस करके हर सवाल का जवाब दिया, हर पत्रकार को बताया, अपनी नीति बताई और बताया कि मैं नेता हूं, मेरी नीति है और कांग्रेस के पास काम करने की नियत भी है मौका मिला तो। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने पेश करी है और निश्चित रूप से अब उनकी वो छवि तो थी नहीं, ये तो लोगों ने उड़ा रखी थी, अब तो ये अब लोग खुद सोच बैठे और विपक्ष समय समय कम है सर, सर समय कम है। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, क्या कांग्रेस के सामने इस यात्रा के बाद भी चुनौती है भी? क्योंकि मैं जो सवाल लेकर के चल रहा था, आपको लगता है कि राहुल गांधी ने खुद को एस्टेब्लिश किए, तमाम जो उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे सबको दूर कर दिया और इसी यात्रा ने जवाब दे दिया? अगर समझना हो तो बाकी तो आप लीक पीटते रहे हैं कि नहीं अभी जवाब नहीं आया, जवाब आ गया, उन्होंने ये भी साबित कर दिया आपके कहने के हिसाब से कि बिल्कुल जो आप इमेज बना के बनी हुई थी विरोधियों की ओर से कि पप्पू है, बिल्कुल नहीं है, उन्होंने वो मजबूती के साथ में लड़ भी सकते हैं, मजबूती के साथ में अपने एजेंडे पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नफरत की जो बात की जा रही है, ये अभी जनता के गले उतर पाएगी कि हाँ नफरत को लेकर के राहुल गांधी भारत टूट रहा है उसे जोड़ने की कोशिश की? मैं 30 सेकंड में चाहूंगा, समय हो चुका है। बिल्कुल, देखो योगेंद्र जी, हर पार्टी अपना एजेंडा लेके चलती है, अब नफरत है या नहीं है, लेकिन उन्होंने तो लोगों को बता ही दिया कि मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं और दूसरे नफरत ही खोल रहे हैं। अब ये फैसला जनता करेगी कि कौन नफरत का है, कौन मोहब्बत के वो खोल रहा है। और जो जहां तक चुनौती की बात है, निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल के सामने चुनौती तो रहती है और कांग्रेस को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा जब तक सत्ता में आ जाए, लेकिन अब वो वाली स्थिति नहीं रही जो हम पिछली चर्चा में एनर्जी के रूप में देख सकते हैं आप, कि एनर्जी मिली है कांग्रेस के उस वर्कर को जो कांग्रेस के बिखराव, टूट और हार से निराश होता जा रहा था, उन लोगों के एक जुड़ने की, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हैं, असर तो देखिए इसका बाद में दिखाई देगा आने वाले समय में। लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी ने कुछ एस्टेब्लिश किया है, कुछ अपनी यात्रा के मकसद को जिस तरह से लेके चला, पार्टी को जोड़ने की बात आई, उसमें हो सकता है कि अभी भी कुछ पेचीदगियां जिसे दुरुस्त करना होगा। और मुझे लगता है कि यात्रा के दरमियान बहुत सारे इंसिडेंट्स भी ऐसे देखे होंगे, उसमें लगता है कि कुछ खामियां हैं, उसे दुरुस्त करना भी कांग्रेस के सामने एक चुनौती होगी, जहां डिफरेंसेज हैं उन्हें दूर करना होगा कि एक जाजम पे कैसे लेके आ सकते हैं। चले चलते चलते मैं एक जरूर पूछूंगा, मैं कहूंगा आप लोगों को कि राजस्थान को ही आप लीजिए, अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट से हाथ पकड़ के डांस भी करा दिया, वेणुगोपाल एक दिन पहले यात्रा से पहले हाथ भी उनके ऊपर करा दिए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मन से एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये हाथ पकड़ के नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस को तलाश थी, कांग्रेस की विचारधारा तो बड़ा साफ साफ है, कांग्रेस के लिए कोई नई चीज नहीं है, कांग्रेस कम्युनलिज्म के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इस देश के संविधान की प्रीएम्बल की चौकीदार है कांग्रेस, ये तो सारा एस्टैब्लिश है, ये तो दूसरे लोगों ने किया है। लेकिन ये तय है कि
कि कांग्रेस को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो जिसकी चारों ओर लोग इकट्ठे हो सके, और राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से अपना पेश किया है। और ऐसे में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस शाहरुख खान की फिल्म के खिलाफ वो एक आंदोलन चला रखा था, शाहरुख खान सिंबल है, और उसको जिस तरीके का रेस्पॉन्स मिला है, मुझे बिल्कुल शाहरुख खान और राहुल गांधी के वर्क में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से राहुल गांधी के समय कम है मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, बड़ी खबर में हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, यात्रा का अपने अपने नजरिए से उन्होंने देखा और अपने विचार रखे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।